नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 मई दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ड्राइविंग लाइसेंस में अब नहीं हो पाएगा फर्जीवाड़ा। अब बिहार के स्कूलों से छात्रों और शिक्षकों का गायब होना पड़ जाएगा महंगा। सुल्तानगंज से श्रावणी मेले में जाने वाले कांवड़ियों को नहीं होगी परेशानी। मनोज वाजपेयी की मूवी इस मामले में बनी नंबर वन फिल्म। बिहार में एक बार फिर से बढ़ेगी गर्मी। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंजाब नेशनल बैंक में 240 पदों पर भर्ती। पंजाब नेशनल बैंक विशेषज्ञ अधिकारी के द्वारा 240 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पद के लिए योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई है, जिसे उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.pnbindia.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुचित्रा भट्टाचार्य के बारे में। सुचित्रा भट्टाचार्य एक भारतीय उपन्यासकार थी, जिन्हें हेमंतर पाखी, कचेर मानुस, अलीक शुक, ईची और कचेर देवल सहित कार्यों के लिए जाना जाता है। एक लेखक के रूप में अपने करियर के दौरान उन्होंने 20 से अधिक उपन्यास और कई लघु कथाएं लिखी। उनके उपन्यास दहन को 1997 की फिल्म दहन में रूपांतरित किया गया था और उनके उपन्यास ईचर, गच, अलिक सुख और रामधनु रंग को सिबो प्रसाद मुखर्जी द्वारा फिल्मों में रूपांतरित किया गया था। इसके अलावा उनके उपन्यास ओनियो बवसंतों को आदिति रॉय द्वारा एक टेलीविजन फिल्म में रूपांतरित किया गया था। सुचित्रा भट्टाचार्य को 2004 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से भुवन मोहिनी पदक, 1996 में नंजना गुड्डू थिरु मलंबा राष्ट्रीय पुरस्कार, 1997 में कथा पुरस्कार, 2000 में ताराशंकर पुरस्कार, देवी चंद्र लाल सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2001 में कल्याणी, 2002 में शरद पुरस्कार के साथ साथ भारत निर्माण पुरस्कार, साहित्य सेतु पुरस्कार और 2004 में सैलजानंद स्मृति पुरस्कार, 2015 में दिनेश चंद्र स्मृति पुरस्कार और 2012 में माटी नंदी पुरस्कार मिला। ड्राइविंग लाइसेंस में अब नहीं हो पाएगा फर्जीवाड़ा। बिहार में मौजूद डीटीओ ऑफिसर में अक्सर ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कई फर्जीवाड़े सामने आते रहते हैं। डीटीओ ऑफिस के बाहर आपको कई दलालों का जमावड़ा देखने को मिल जाएगा, लेकिन अब मुजफ्फरपुर में ऐसा नहीं हो पाएगा। बता दें कि परिवहन विभाग का अधिकतर काम अब ऑनलाइन हो चुका है। हालांकि अब तक ड्राइविंग लाइसेंस और पुरानी गाड़ियों के ओनर बुक कार्ड बदल नहीं गए हैं। बता दें कि सभी पेपरों को परिवहन मुख्यालय से जिला कार्यालय को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया जा चुका है। ऐसे में केवल एक क्लिक में कंप्यूटर पर पूरा रिकॉर्ड देखा जा सकता है। 30 जून तक नहीं करवाया ये काम तो नहीं मिलेगा निःशुल्क राशन। वैसे अनाज लाभुक जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकान से अनाज पाते हैं, उनके लिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश में यह कहा गया है कि राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों का आधार लिंक करवाना जरूरी है, साथ ही आधार सीडिंग करवाना जरूरी है। यदि कोई लाभुक 30 जून तक ऐसा नहीं करता है तो उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। इसलिए आधार कार्ड सीडिंग न करवाने वाले लाभुक ये करवा ले। बता दें कि बिहार के सभी जिला में संचालित हो रहे 56,000 राशन दुकानों में बिहार सरकार द्वारा यह करवाने की सुविधा निःशुल्क रखी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जोड़ घटाओ में अव्वल है बिहार के बच्चे। एनसीईआरटी के मुताबिक अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार के बच्चे जोड़ घटाओ में आगे हैं, लेकिन यहां बच्चे फिंगर ट्रिक या फिरमेंटल कैलकुलेशन की तुलना में पेपर पेंसिल से ज्यादा सवालों को हल करने में सक्षम है। बता दें कि एनसीईआरटी द्वारा आई यह रिपोर्ट यूनिसेफ के मदद से सामने आई है। यह रिपोर्ट फाउंडेशन लर्निंग के आधार पर आई है, जहां बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों के तीसरी क्लास के बच्चे को शामिल किया गया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देश में यानी राष्ट्रीय औसत की बात करें तो लगभग 53% बच्चे 999 अंक के ऊपर का जोड़ घटाव बनाने में सफल रहे। वहीं बिहार के बच्चों का औसत 72% के साथ राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा। मन की बात में जब पीएम मोदी ने बिहार के इस बेटी को दी सलाह। बीते दिन रविवार को पीएम मोदी के द्वारा अपने 101वें मन की बात का प्रसारण किया जा रहा था। बता दें कि इस मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी के द्वारा बिहार के सासाराम में रहने वाली विशाखा से बात की और उसे सलाह भी दी। बता दें कि इस बातचीत के दौरान विशाखा के द्वारा पीएम मोदी को बताया गया कि उन्हें कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप संगम के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बाद उन्हें पता चला कि युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसके बाद उसने इसके लिए आवेदन किया और उसे पता चला कि बिहार के डेलीगेट्स को तमिलनाडु साथ एक्सचेंज किया जा रहा है। उसने इसके बाद तमिलनाडु जाने का निर्णय लिया, जो सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध राज्य है। इस दौरान उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिस पर पीएम मोदी के द्वारा कहा गया कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं तो एक ब्लॉग लिखिए और पूरे देश को अपने अनुभव साझा कीजिए। अब
बिहार के स्कूलों से छात्रों और शिक्षकों को गायब होना पड़ जाएगा महंगा। अब स्कूल से अक्सर गायब रहने वाले छात्र और शिक्षकों को स्कूल से गायब होना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के तहत ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से छात्रों और शिक्षकों पर निगरानी रखी जा सकेगी। यदि कोई शिक्षक या छात्र गायब भी रहते हैं तो वे तुरंत इसके माध्यम से नजर में भी आ जाएंगे। हालांकि अभी इस पोर्टल पर ट्रेल शुरू हुआ है, परिणाम आने के बाद इसे उपयोग में लाया जा सकेगा। इस वर्ष 2023-24 में यह पोर्टल काम शुरू कर देगा। बता दें कि इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग की तरफ से मिली है। रेलवे अब यात्रियों को बिहार के ऐतिहासिक महत्व से कराएगा रूबरू। रेलवे बोर्ड के तरफ से पूर्व मध्य रेल के अंग्रेजों के जमाने से अब तक के बनाए गए समृद्ध और ऐतिहासिक रेलवे स्टेशनों से देशवासियों को रूबरू करवाने के लिए डेटा बैंक तैयार करने की कवायद शुरू कर चुका है। ऐसे में देश या विदेश के तीर्थयात्री या पर्यटकों को भारतीय रेलवे से संबंधित जानकारियां देने में मदद मिलेगी, साथ ही यात्री आकर्षित भी हो पाएंगे। यात्रियों को रेलवे की तरफ आकर्षित करने के लिए रेलवे के मार्ग रेलवे के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों से भी जोड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब रेलवे यात्रियों को आकर्षित करने के लिए इस तरह की तैयारी शुरू कर रहा। जानकारी के लिए बताते चले कि रेलवे बोर्ड ने पूर्व मध्य रेल के साथ साथ देश के सभी 17 जोन के महाप्रबंधकों को ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए थे। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे ध्रुव कुंड चिल्ड्रन पार्क के बारे में। ध्रुव कुंड चिल्ड्रन पार्क भी कटिहार जिले में घूमने वाली एक मुख्य जगह है। यह कटिहार जिले में मिर्चाई बाड़ी में स्थित है। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। इस पार्क में आपको आकर बहुत मजा आएगा। यहां पर बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, जिसमें बच्चे लोग काफी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर वॉच टावर बना हुआ है, जो बहुत ही अलग डिजाइन से बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया लगता है। यहां पर आपको बहुत सारे फव्वारे देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर आर्टिफिशियल झरना भी देखने के लिए मिलता है। आप यहां पर आकर काफी इंजॉय कर सकते हैं। यह कटिहार जिले में घूमने लायक एक मुख्य जगह है। अब जन्म के साथ ही आसानी से यहां बन जाएंगे बिटिया के आधार कार्ड। देश के किसी भी नागरिक के पास पहचान पत्र होना बहुत जरूरी होता है। भारत में एक पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड होना बहुत अहम है। लोग इसे बनवाने के लिए न जाने कितने चक्कर काटते हैं, लेकिन अब लड़कियों के आधार कार्ड को लेकर बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बिहार में अब लड़कियों के आधार कार्ड को बनवाने के लिए अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब लड़कियों के जन्म के बाद ही आप आसानी से आंगनवाड़ी केंद्र पर बिटिया का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग को निर्देश भी दिए जा चुके हैं, ताकि इन विभागों के सहयोग से जन्म के बाद आसानी से आधार कार्ड बन सके। इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका अभिभावक का सहयोग करेंगे, ताकि उन्हें कहीं भटकना न पड़े। मनोज वाजपेयी की मूवी इस मामले में बनी नंबर वन फिल्म। मनोज वाजपेयी स्टारर फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 पर बीते 23 मई को रिलीज किया गया था, जो कि दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। बता दें कि इस फिल्म में मनोज वाजपेयी की अब तक की सबसे दमदार अदाकारी बताई जा रही है, और साथ इस फिल्म को साल की बेहतरीन फिल्में में भी बताया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म के व्यूअरशिप के द्वारा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, और इसी के साथ यह फिल्म एक साल में सभी भाषाओं में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली G5 ओरिजिनल फिल्म बन गई है। वहीं फिल्म की सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए मनोज वाजपेयी के द्वारा कहा गया कि आश्चर्यजनक है कि 2 साल की कड़ी मेहनत, अथक रिहर्सल, शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के बाद क्रू सुपर्ण एस वर्मा, विनोद भानुशाली, निर्देशक अपूर्व सिंह कार्की और सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ और अधिजरा सिन्हा जैसे अभिनेताओं सहित इतने सारे लोगों के योगदान का जश्न मनाया जा रहा है। इससे मुझे भी इस फिल्म को सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। फिल्म को जिस तरह ऑडियंस से प्यार मिला है, उससे मैं बहुत खुश हूं और जनता का आभार जताता हूं कि उन्होंने इतना प्यार दिया। बिहार के पैक्स अब आरक्षण के तहत होंगे संचालित। देश के सभी सहकारिता विभाग में कार्य अब तक बायलॉ से किया जाएगा। इसके लिए अब बिहार को भी केंद्र सरकार द्वारा एक बायलॉज उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। बिहार सहकारिता विभाग की तरफ से इसके लिए पूरी तरह तैयारी की जा चुकी है, जहां सिर्फ केंद्रीय नियमों के तहत मिलने वाले आरक्षण में बिहार बदलाव करने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार अब बिहार में मिल रहे कोटिवार आरक्षण के तहत बिहार के पैक्स संचालित होंगे, साथ ही समितियों में निचले वर्ग जिसमें SC/ST के लिए निर्धारित नियमों के तहत आरक्षण मिलेंगे। बिहार झारखंड में अब तक 2.47 लाख सिम हुए निष्क्रिय। दूरसंचार विभाग के द्वारा बिहार और झारखंड के 17,000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों को निष्क्रिय कर दिया गया है। वहीं इसको लेकर बताया गया है कि जिनके पास 9 से ज्यादा मोबाइल नंबर है, उन ग्राहकों के मोबाइल नंबर को निष्क्रिय कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी दूरसंचार विभाग के द्वारा बिहार और झारखंड के ऐसे उपभोक्ताओं के नंबर को बंद कर दिए गए थे, जिनके पास 9 से ज्यादा नंबर मौजूद है। मालूम हो कि इससे पहले विभाग की ओर से करीब 2.30 लाख सिम कार्ड को निष्क्रिय किया गया था। वहीं अब एक बार फिर से विभाग की ओर से 17,000 नंबरों को निष्क्रिय कर दिया गया है। बता दें कि लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाया जा सके, इसके लिए संचार पोर्टल की शुरुआत की गई है, जो आपको यह बता देगा कि आपके नाम से कितने नंबर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इसके साथ ही आप नंबर को ब्लॉक भी करा सकते हैं जो आपके इस्तेमाल का ना हो।
गंगा पाथवे के विस्तार का रास्ता हुआ साफ। बिहार की राजधानी पटना के गंगा पाथवे यानी कि मरीन ड्राइव के विस्तार का रास्ता डीपीआर तैयार करने के लिए एजेंसी का चयन करने के बाद साफ हो गया है। बता दें कि डीपीआर तैयार करने को लेकर एजेंसी का चयन बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। मालूम हो कि गंगा पाथवे का विस्तार दीदारगंज से बख्तियारपुर और दीघा से शेरपुर तक किया जाना है। बता दें गंगा पाथवे का डीपीआर तैयार होने के साथ ही उस पर मंजूरी के लिए उसे कैबिनेट भेज दिया जाएगा और जैसे ही कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी जाएगी वैसे ही विभाग द्वारा निविदा निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें गंगा पाथवे के विस्तार में लगभग 13,300 करोड़ रुपए खर्च आ सकते हैं। मालूम हो कि अगर गंगा पाथवे का विस्तार हो जाता है तो उत्तर से दक्षिण बिहार में जाना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। सुल्तानगंज से श्रावणी मेले में जाने वाले कांवड़ियों को नहीं होगी परेशानी। श्रावणी मेला पूरे देश में सबसे प्रसिद्ध मेला है। सावन के महीने में लगने वाले इस मेले में देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। बता दें कि इसके लिए बिहार के सुल्तानगंज में कांवड़ियों के लिए विशेष तैयारी शुरू की जा चुकी है। जो कांवड़िया सुल्तानगंज से देवघर तक पैदल चलकर जाते हैं उनके लिए कच्ची का पैदल पथ है, लेकिन उन्हें जलते धूप में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब वे अजगैवी नाथ गंगा तट से निकट है उनके इस परेशानी का समाधान करने के लिए कालीन बिछाने का प्रस्ताव सामने आया है ताकि उन्हें धूप में अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार में एक बार फिर से बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद अब मौसम में परिवर्तन की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का मानना है कि राज्य के कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही हीट वेव और लू चलने के भी अनुमान जताए गए हैं। अगले एक सप्ताह तक किसी भी जिले में बारिश की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि केरल में मानसून की एंट्री के बाद बंगाल की खाड़ी में नमी बिहार में एंटर करेगी। इसके चलते पूरे प्रदेश में उमस भरी गर्मी का एहसास होगा। दिन में भी तापमान बढ़ने से गर्मी में बढ़ोतरी के आसार जताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि 13 से 14 जून के बीच मानसून के बिहार पहुंचने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में औसत से कम बारिश होने की संभावना है। इस वजह से तापमान औसत से अधिक रहेगा। बिहार के इस जिले में निर्माण होगा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। 20 जून से विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड में शुरू होने वाला है। इस निर्माण को लेकर किशोर कुमार जो कि धार्मिक न्यास बोर्ड के सचिव है उन्होंने कैथवलिया में बैठक भी की जहां डीएम सौरभ जोरवाल से लेकर एसपी एसडीओ सहित कई सरकारी कर्मी मौजूद दिखे। बैठक के बाद मंदिर निर्माण को लेकर आगे की जानकारी गाँव वासियों को एक बैठक के दौरान दी गई। किशोर कुणाल द्वारा यह जानकारी दी गई है कि मंदिर का नक्शा आ चुका है, इसका निर्माण कार्य 20 जून से शुरू कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मंदिर की 1,080 फुट, चौड़ाई 580 फुट और ऊंचाई 270 फुट होगा। आगे उन्होंने बताया कि विश्व के सबसे बड़े और विशाल शिवलिंग की स्थापना की जाएगी जो 33 फुट लंबा और 33 फुट मोटा एक ही पत्थर से बनाया जाएगा और तीसरे मंजिल से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की व्यवस्था होगी। मुनाजीर हसन का जेडीयू से इस्तीफा। एक तरफ जहां राज्य में नए संसद भवन को लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर चल रहा तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद मुनाजीर हसन के द्वारा जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया गया है। अपने साथ ही उन्होंने जेडीयू पर आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं। इस पार्टी में किसी भी बड़े नेताओं का सम्मान नहीं है, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का महागठबंधन में कोई भी सम्मान नहीं है। उन्हें पार्टी में सिर्फ वोट के लिए साथ रखा जाता है, लेकिन जब उन्हें पद देने की बात आती है तो ऐसे ही कुछ से कुछ दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब लोकतंत्र नहीं रह गया है और न ही जेडीयू में वरिष्ठ नेताओं का सम्मान रह गया है। पटना में इस दिन होगी विपक्षी दलों की महाबैठक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इन दिनों 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने की जीतोड़ कोशिश की जा रही है। बता दें किसी कोशिश के तहत बहुत जल्दी बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक होने वाली है। मालूम हो कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि विपक्षी दलों की यह बैठक पटना में अगले माह 12 जून को हो सकता है। हालांकि महाबैठक की तारीख को लेकर अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ जानकारी नहीं दी गई है। उनके द्वारा अब तक बैठक की तारीख को लेकर कहा जा रहा है कि जल्द ही बैठक होगी और जब तारीख तय हो जाएगी उसकी जानकारी सबको दे दी जाएगी। संसद भवन के उद्घाटन के विरोध में जदयू ने किया अनशन। एक तरफ जहां देश को नया संसद भवन मिला वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के द्वारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ बिहार की राजधानी पटना में अंबेडकर मूर्ति के सामने बैठकर केंद्र सरकार के प्रति विरोध जताया गया। बता दें कि इस दौरान ललन सिंह के द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के काल से निकलकर सारा इतिहास अपने नाम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस संविधान को हम ग्रंथों के बराबर आदर देते हैं उस ग्रंथ को देश की वर्तमान सरकार के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है। देश को नए संसद भवन की जरूरत नहीं थी। आखिर अगर नए संसद भवन का निर्माण करवा ही दिया तो उसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाना चाहिए था, क्योंकि इसका अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का संबोधन करते हैं। अब कुछ दिन बाद पीएम कहेंगे कि आप रहने दीजिए, संबोधन भी हम कर लेते हैं। जब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया था उस दौरान बीजेपी के सभी नेता नरेंद्र मोदी को आदिवासी प्रेम के साथ जोड़कर प्रचारित कर रहे थे, तो अब क्या हुआ? एक तरफ जहां उन्होंने आदिवासी महिला को सम्मान दिया तो वहीं दूसरी ओर संसद भवन का उद्घाटन खुद करके उनका अपमान किया।
नए संसद भवन की तुलना ताबूत से करने पर भड़के सम्राट। इन दोनों राजनीतिक गलियारों में नए संसद भवन को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। बता दें कि एक तरफ जहां बीते दिन नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी के द्वारा नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी गई, जिस पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा जोरदार हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से करके अपनी मंशा साफ कर दी है, जिस लोकतंत्र के मंदिर को आरजेडी के द्वारा ताबूत बताया गया है। उन्हें 2024 और 2025 के चुनाव में देश और राज्य की जनता इसी ताबूत में बंद करने का काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने जेडीयू के अनशन पर तंज भी कसा और कहा कि 18 साल से जेडीयू के लोग सत्ता में हैं, ऐसे में अनशन करेंगे तो इनका शरीर थोड़ा सा हल्का होगा। उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ने वाले लोग हैं, बिहार में लॉ ऑर्डर खत्म हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चैन से सो रहे हैं। अब बिहार में अपराधी तभी शांत होंगे जब नीतीश कुमार से बिहार को मुक्ति मिलेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारतीय जनता पार्टी के नेता वीएस येदुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में 2008 को शपथ ली। अमेरिका और भारत के बीच सितंबर 2008 में हुए 123 अग्रीमेंट में छोड़ दिए गए परमाणु ईंधन की रिप्रोसेसिंग के पहले पर अमेरिकी प्रशासन ने सहमति का ऐलान 2010 में किया। भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने हिनान प्रांत के लुओ यांग में पहली सदी के प्राचीन श्वेताश्व व्हाइट हॉर्स मंदिर परिसर में भारतीय शैली से निर्मित एक बौद्ध मंदिर का लोकार्पण 2010 में किया। हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार रामानंद चटर्जी का जन्म 1865 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध भाषाविद साहित्यकार तथा विद्याशास्त्री सुनीति कुमार चटर्जी का निधन 1977 में हुआ। भारत के पांचवे प्रधानमंत्री जो किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर नेता चौधरी चरण सिंह का निधन 1987 में हुआ। पालघर में आज हम बात करेंगे मुफ्त लैपटॉप योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मुफ्त लैपटॉप योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री मुफ्त लैपटॉप योजना 2023 के तहत युवाओं को मुफ्त लैपटॉप दे रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। भारत सरकार @edumenofindia द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। सुपौल में हजारों लीटर शराब पुलिस ने किया बरामद। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें अवैध शराब की तस्करी और तस्करों से जुड़े खबर सुनने को मिलते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के सुपौल के डगमाड़ा ओपी क्षेत्र का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर डगमाड़ा पुलिस के द्वारा छापेमारी करते हुए नाव पर से 1080 लीटर अवैध नेपाली शराब बरामद किए गए और साथ ही एक कारोबारी का भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान ओम प्रकाश के रूप में की गई है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा उस नाव को भी जब्त कर लिया गया है और फिलहाल बाबत 48/23 कांड संख्या दर्ज कर पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस वजह से टला आईपीएल फाइनल का मुकाबला। आईपीएल फैंस आईपीएल 2023 का बेसब्री से इंतजार कर ही रहे थे कि फाइनल में अब एक और ग्रह लग गया। आईपीएल फाइनल जिस रात होनी थी, उस रात को जिस खतरे का अंदेशा लगाया जा रहा था, आखिरकार वो सच साबित हो ही गया। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में होने वाला रोमांचक मैच बारिश के कारण टालना पड़ा। मालूम हो कि बीते दिन 28 मई को होने वाला यह मैच बारिश के कारण टल गया और अब यह मैच आज के रिजर्व दिन पर होगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला 7:30 बजे से शुरू होने वाले थे, लेकिन बारिश मैच के ठीक एक घंटे पहले से ही शुरू हो गई, जिसके कारण इस रोमांचक मुकाबले को टाला पड़ा। बीते दिन माधुरा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने माधुरा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विनय राज, कमलेश शर्मा, शंकर मुखिया, नुनू गोलू कुमार, प्रवीण कृष्णा, पंचम वर्मा, विद्यासागर, उमेश ऋषिदेव, विजेंद्र सिंह, मुन्नी तिवारी, प्रमोद राम, मोहम्मद सकीर हुसैन, मोहम्मद जावेद, अनवर करीम खान, सदुल्ला पलवी, प्रहलाद कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकार की ओर से दिए जाने वाले राशन की क्वालिटी कैसी होती है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।